मेरे साथ में अभी संदीप जी हैं, लघु सचिवालय हिसार के सामने खड़ा हूँ। पक्का मोर्चा ये लगा दिया गया है यहाँ पर, जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी संदीप जी, देखिए 1 मई को हम यहाँ प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए आए थे। हमारा जिला कमेटी पगड़ी समाज जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा की, और उसमें मांगे ये थी कि रिलायंस की जो कंपनी है जो बीमे करती है किसान के, वो बीमे किसान को नहीं मिल रहे हैं, नहीं दे रही है। 40,000 के करीब हिसार के किसानों का मामला है कि फसल बीमे रिवर्ट कर दिए। उसके बाद में सरसों खरीद का बड़ा मामला है, और जो मुआवजा 2020-21 का मिलना था वो तहसीलदारों के खातों में पड़ा, चाहे वो बालसम तहसील का मामला हो, चाहे वो आदमपुर तहसील का मामला हो, नानो तहसील का मामला हो, वो मुआवजा किसानों के खातों में नहीं जा रहा, जानबूझकर नहीं बांटा जा रहा है। इन मामलों को लेकर हम हिसार के प्रशासन से ज्ञापन दे के गए। उसके बाद में 11 तारीख को हमने एक बड़ा प्रदर्शन है, यहाँ हज़ारों किसान आए थे, ज्ञापन दे के गए थे। उस दिन बातचीत भी प्रशासन से ये करके गए थे। उसके बाद में 26 तारीख को प्रशासन ने हमें बुलाया, ADC साहब उस मीटिंग में थे, और हमने जब ये इन मुद्दों पर ये पूछा भी आपने इन मुद्दे पर कार्रवाई क्या की, तो हिसार का प्रशासन हाथ खड़े कर देता है कि रिलायंस वाले डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है वो भी हमारे फ़ोन नहीं उठाता। तो ये बड़े कमाल की बात है। इस मुद्दे पे हमने बोला कि हम 1 तारीख को पक्का मोर्चा लगाएंगे, हज़ारों लोग ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ यहाँ पर आएंगे। और हमने कल हिसार ज़िले के सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ यहाँ आए, अपना मन मना के आए हैं कि मुआवजा लेके फसल बीमा लेके जाएंगे, मुआवजा लेके जाएंगे। सरसों की खरीद जो अभी तक 40% सरसों लोगों के घरों में पड़ी है, 1,000 रुपये का डिफेंस आ गया है सरकारी खरीद, सरकारी रेट में या प्राइवेट रेट में 1,000 रुपये का पर क्विंटल का नुकसान किसान को हो रहा है। तो सरकार दोबारा सरकारी खरीद शुरू करे। इन मुद्दों को लेकर आज हमने कल से यहाँ पे पक्का मोर्चा लगा रखा है। अंदर प्रशासन से कोई बात हुई तो क्या उन्होंने क्या कहा? कल शाम को हमारा प्रतिनिधिमंडल बुलावे पर, प्रशासन के बुलावे बातचीत के लिए गया था, लेकिन प्रशासन का रवैया बिल्कुल ढुलमुल है। पिछली 8 महीने से तो बाल संबंधी इलाके का मुआवजा नहीं बांटा जा रहा, मात्र 8 करोड़ रुपये बंटे हैं, सारे पैसे हैं 33 करोड़ रुपये। अगर इनका मन हो बांटने का तो ये पैसे 1 हफ्ते के अंदर बंट सकते हैं, किसान के खाते में जा सकते हैं। लेकिन सर बिल्कुल भी अधिकारियों की इतनी लापरवाही है, सरकार की तानाशाही है कि वो मुआवजा अभी तक खातों में नहीं जा रहा है। ऐसे ही आदमपुर का भी मामला है, जब हमने इन बातों को रखा तो प्रशासन ने कहा भी 15 दिन का टाइम दे दो, और ये तीसरी बारी हुआ है 1 मई से, तीसरी बारी 1 मई से ये होगा कि 15 दिन का टाइम दे दो। तो हमने प्रशासन को कहा, हमने DC साहब को कहा कि हम 15 मिनट का टाइम भी नहीं देंगे, जब तक किसानों के खातों में मुआवजा बीमा नहीं आएगा तब तक हम अपना पक्का मोर्चा यहाँ पे लगा के रखेंगे। कह रहे हैं कि जो बीमा कंपनी जो है उसका तो वो टाइम पीरियड भी खत्म हो गया है उसमें। देखिए जो बीमा कंपनी के जो अधिकारियों से बात करने की बात हुई थी, हमने प्रशासन को बाकायदा ये लिख के भेजा था कि रिलायंस कंपनी जो बीमा जिसका यहाँ पर है हिसार में जो बीमा फसल बीमा करती है कि उसका कोई सीनियर अधिकारी आप बुलाइए ताकि कोई स्पष्ट बात तो सामने आए। लेकिन हिसार के DC से, हिसार का DC के कहने के बावजूद भी रिलायंस की कंपनी का कोई भी बड़ा अधिकारी पिछली 3 मीटिंगों में नहीं आया। मतलब भाई प्रशासन उनको बुला रहा है, हिसार का DC बुला रहा है, कोई नहीं आ रहा है। तो ये एक तरह की तानाशाही, और इसी तानाशाही के खिलाफ किसानों ने लड़ना सीख लिया है, और हमने यहाँ पे अपना पक्का मोर्चा शुरू कर दिया है। लोग बाकायदा पूरी तैयारी के साथ आए हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों में आटा, खाना पकाने का सामान, चाय, दूध, लस्सी गाँव से आनी शुरू हो गई है, और लगातार यहाँ पे पक्का मोर्चा तब तक चलेगा जब तक किसानों की जीत नहीं हो जाती। तमाम लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से अपील करूँगा कि पक्के मोर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और ये जो एकता, जो समझ, जो सांझ, जो भाईचारा किसान आंदोलन का बना था, उस आंदोलन वो एक बार फिर उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, एक बार फिर दोबारा सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। बेनीवाल जी हैं, इनसे भी जानते हैं पूरा मामला। जी जी, देखिए हमने ज्ञापन तो बहुत दे लिए, और 11 तारीख को हमने एक बड़ी कॉल भी दी थी। 11 तारीख को हज़ारों की संख्या में किसान साथी यहाँ पर आए थे, क्योंकि बजाज कंपनी है फतेहाबाज में, वो दूसरे महीने की 20 तारीख को बीमा राशि खातों में डाल दी। और रिलायंस कंपनी वाले में मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये BJP वालों की हिस्सेदारी है। अनुराग ठाकुर का भाई जो हरियाणा देखता है, वो यहाँ के प्रशासन को भी कुछ नहीं समझता। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है रिलायंस बीमा कंपनी का, वो भी यहाँ के जो बड़े DDA कृषि अधिकारी है और ADC साहब है, उनका भी फ़ोन तक नहीं उठाता, क्योंकि साफ साफ है, बू नज़र आती है कि कहीं ना कहीं सरकार का घमंड है। लेकिन 11 तारीख को हमने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि 1 तारीख को हम, अगर जो हमारे खातों में 1 तारीख तक फैसला नहीं, खातों में पैसे नहीं आएंगे, हम पक्का मोर्चा लगाएंगे। और उसके बाद में हमें बातचीत के लिए बुलाया गया 26 तारीख को। और ये नहीं है कि किसान साथी किसी तौर तरीके से बातचीत करना नहीं चाहते। इन्होंने 25 तारीख को हमारे पास निमंत्रण भेजा कि जो बातचीत से मसला हल हो जाएगा
तो हमें शौक नहीं है भाई इस गर्मी के अंदर हम सड़क पर बैठे रहें। बान का, बिजाई का, बहुत से किसानों को बहुत ज़रूरी धंधे हैं वो छोड़ छोड़ कर किसान साथी आज यहाँ पर बैठने का काम कर रहे हैं। और उस दिन प्रशासन ने ये माना कि बीमा किसान जायज़ है। हमने कहा कि अगर जी हम अगर जो नाजायज़ कर रहे हैं तो भले आप कह दीजिए, और हम ये झूठा आश्वासन किसी तौर तरीके से नहीं मानेंगे। आप या तो बयान जारी करो, बयान जारी कर दो 10 दिन में या 15 दिन में, हम आपको पक्का आश्वासन देते हैं प्रशासन की ओर से, तब हम 1 तारीख वाला फैसला टाल सकते हैं। आश्वासन तो पीछे भी दिया था, आश्वासन तो पीछे भी दिया था, लेकिन हमने इनके सामने बात रखी, लेकिन बीमा कंपनी वालों से इनकी बातचीत ही नहीं होती, वो उनको समझते ही नहीं है अपने प्रशासन को। तो ये बताओ इनकी मोनोपोली है क्या नहीं है? ये सरासर गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं। ये पीछे कांग्रेस की सरकार थी तब तो ये साथी, हमें वीडियो भी आज पड़ी उन साथियों की जो कपड़े निकाल कर अर्ध नंगे होके ये सड़कों पे प्रदर्शन किया था। सिलेंडर महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, और आज किसान, कर्मचारी, युवा साथी नौकरी को लेकर के आज सारे रोड पर बैठे, तो आज ये एक भी शब्द नहीं बोल रहे। आज एक भी किसी जिम्मेवार इनके विधायक ने या कोई मंत्री ने बयान जारी नहीं किया कि इनका बीमे में की जो राशि है वो दूसरे महीने में जो डल जानी चाहिए वो आज तक क्यों नहीं डली, ये एक बड़ा मामला है। सरकार प्रशासन को कुछ कहना चाहते हो इस मामले को लेकर? देखो प्रशासन ने तो इस मामले में क्या कहेगा, लेकिन हम तो सरकार को कहना चाहते हैं ये ऐसी घिनौनी हरकतें करना किसानों के साथ बंद कर दे, अन्यथा आने वाले दिनों में इन्हें हमें पक्का जवाब देने का काम करेंगे। धन्यवाद साथियों।